Mom, why are you gazing at me? Am I, Adiraj? Oh, no, no, no. Mom, why are you watching me? Hmm. Am I? Oh, no. Sorry, Mom. Why are you looking at me? Am I, Adiraj? What are you saying? Mom, I'm confused. What is the word I'm supposed to use? TK. Aunt, Adiraj ke saat आप सबको मैं छोटे छोटे फर्क समझाऊंगी कि सी लुक स्टेर और ग्लांस और glimpse जैसे एक जैसे दिखने वाले शब्दों में क्या वो डिफरेंस होता है जो अगर हम अब सीख लें और अपनी वो में यूज करें तो हमारी वो कैबलरी प्रिसाइज और एनरिच हो सकती है तो चलिए सीखते हैं जानते हो सी क्या होता है देखना आप ये बात तो सही है बट लुक भी देखना सी भी देखना तो क्या फर्क है सी का मतलब होता है एक कैशुअल तरीके से देखना मतलब वन समझे अब yes, बात करते हैं सेकंड लुक की लुक एट के साथ आता है और लुक का मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी देर के लिए देखना I was looking at the hoarding this morning and do you know it actually was about G20 summit. Yes mom. Ab samjhe tum? Yes mom. Look aur see ke baad baat karte hain gaze ki. Jante ho gaze ka matlab? किसी को intently देखना मंत्र मुग्ध होना बड़े प्यार या स्नेह से देखना ओ

टक तक टकी लगाकर घूरना इज कॉल्ड स्टेयर है वेन आई एंटर द क्लास द टीचर वॉज स्टेयरिंग एट मी वाई आर यू ऑल स्टेयरिंग एट मी अब बात करें वॉच की जो अधिराज ने बोला था मगर उसने उसका गलत इस्तेमाल किया वॉच का मतलब होता है एक ही कुछ समय के लिए एक चीज पर केंद्रित होकर ध्यान से देखना

ग्लांस का मतलब होता है कि आपने किसी को एक नजर देखा चलते हुए और ग्लिम्स का मतलब आप एक्सीडेंटली किसी को देख पाए अब दोनों का एग्जाम्पल बताती हूं आई सॉ अस ऑफ अ बॉय एंड आई डोंट नो कनेक्टेड टू हिम एंड ग्लिम

like share and subscribe bye bye, bye.